उधर से जहां स्टोन क्रशिंग के इलाके में पहाड़ों की कटाई के दरमियान फूटने वाला चश्मा और कुदरती झील खूबसूरती का एक अनमोल तोहफा बन गई। इस झील को देखने के लिए मुल्क भर से सयाह खींचे चले आ रहे हैं। अरबाब इख्तियार से इस खूबसूरत जगह की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा भी करते हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन मलिक फजल से। जी मलिक फजल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ सरगोधा पुल 11 पर, जहाँ पर पहाड़ों की कटाई के दौरान फूटने वाला नुमदार होने वाला खूबसूरत चश्मा इस वक्त सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आप देख सकते हैं मेरे अकब के अंदर इस वक्त तकरीबन 250 एकड़ पर मुहित ये कुदरती झीलनुमा चश्मा एक अपने अंदर ख़ास खूबसूरती को समोए हुए है। जब हमने इसी वाले से यहाँ पर आने वाले शहरों से बात करने की कोशिश की तो यूएन से भी यही कहा जा रहा था कि शहर से दूर हमें तफरीत यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर 200 कमरा यहाँ पर आए हैं, मगर हुकूमती तवज्जो ना होने की वजह से यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ का फुकदान है। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है खुदारा ये जो कुर्द चश्मा सरगोधा के वासियों के लिए फूटा है, अगर यहाँ पर हमें थोड़े बहुत जो फैसिलिटीज़ फराम की जाएँ तो ये एक बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट बन सकता है, जहाँ पर हम फैमिली कैमरा यहाँ कर जो ज़िंदगी के पुरलुत्फ़ मज़े उठा सकते हैं। जी मलिक फजल, आपका शुक्रिया।